Serious? Yes. डी डी सी इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करेंगे, शायद समाज आपने अपना फॉर्म यहाँ पे सबमिट किया है, तो क्या रोल रहेगा अपनी पार्टी का? और ऐसे क्या अगर हम पीपल्स अलायंस की बात करेंगे, चार पार्टियाँ मिलके आप लोगों को हराने की कोशिश करेगी, तो आपका क्या रोल रहेगा? चार नहीं, छः पार्टियाँ, छः पार्टियाँ हमको मिलके हराने की कोशिश करें। इसका मतलब इस पार्टी में दम कम है, इसलिए छः पार्टियाँ मिलके हमसे इलेक्शन लड़ रही है। इंशाल्लाह हम पूरी हिम्मत से और अल्लाह ताला का साथ है हमारे साथ, क्योंकि हम सच्चाई पे हैं और इस सच्चाई से ही हम ये इलेक्शन जीतेंगे। क्योंकि हमने लोगों को धोखा नहीं दिया, पहले लोगों को कुछ बोला फिर कुछ बोला, हमने 8 महीने पहले बोला था इलेक्शन होंगे और हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें लोगों की मुश्किलात को दूर करना चाहिए। वही चीज़ गुपकार वालों ने 8 महीने बाद रियलाइज़ की, वो भी इलेक्शन में आ गए। अब बताइए कहाँ पर फ़र्क है? अगर उनका एजेंडा था कि 370-35 है, हम भी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में, हमारी भी एक वहाँ पर पेटिशन लगी है, उसमें हमारे एक सीनियर लीडर ने की है, तो हम भी वही बोल रहे हैं जो वो अब बोल रहे हैं कि हाँ जी डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके साथ साथ 35 और 370 की लड़ाई चलती रहेगी, मगर डेवलपमेंट के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है और वो इलेक्शन हो रहा है। तो अभी क्या रोल रहेगा आपको, लोगों के सामने आप आ रहे हो, लोगों को किस तरह आप मोटिवेट करोगे ताकि लोग आकर आपको वोट दें? देखिए, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम लोगों को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पे आपकी डेवलपमेंट तरक्की के लिए हैं, और ये इलेक्शन हम अपनी पार्टी इस बुनियाद पर लड़ेगी कि हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और हमारा कोई इसमें एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा है नहीं, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। अगर हम खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, फारूक साहब की बात करेंगे या उमर साहब की बात करेंगे, वो एक ही बात पे डटे रहे कि हम दफा 370 को वापस लाएंगे या 35 तो ठीक है ना, तो आपका क्या रोल रहेगा? देखिए, हम ये बोल रहे हैं ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो सबको मानना पड़ेगा, और वही गुपकार वाले भी बोल रहे हैं। तो मैं आपको सिंपल बात बोल रहा हूँ, उनने ये बोला था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बाद में उनको लगा कि अगर हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे हम लोगों में इलमट हो जाएंगे, अब वो भी आ गए मैदान में, अब लोग फैसला करें कौन सच्चा है कौन झूठा है। संग्रामा के लोगों के लिए कौन सी मैसेज रहेगी, क्योंकि आप संग्रामा से? संग्रामा में मेरे वालिद साहब MLA भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, मैं भी MLA रहा हूँ बड़े छोटे टाइम के लिए, 2-2.5 साल मैं भी MLA था, तो मुझे ऐसा लगता है अपनी तरीके अपनी जगह पे कि संग्रामा जो लोअर बेल्ट है वहाँ पे बहुत मुश्किलात हैं, काफ़ी खस्ता हालत है बिजली की, पानी की और सड़क की। इंशाल्लाह ताला जो डॉक्टर साहब के टाइम पे, लोन साहब के टाइम में वो दौर देखा था, इंशाल्लाह वो दौर ज़रूर वापस आएगा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं इकबाल नबी, DDC कैंडिडेट टंगमर्ग। आओ इकट्ठे मिल के आज जंग लड़ें, गरीबी के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, सोशल एवल्स के ख़िलाफ़। आप और हम मिलके चलें, तभी हम अपनी मंजिल पा सकते हैं। जिस मंजिल का ख्वाब हमने देखा, आपने देखा, हमारे जो आने वाले जनरेशन है हमने उनके लिए देखा। लैपटॉप आपके सामने है, वही तरक्की की निशानी है। लैपटॉप का बटन दबाइए और इकबाल नबी को जिताइए। ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट श्रीनगर, एक्सपर्ट्स इन JEE, नीट, MBA, बैंक POs, 11th 12th, मेडिकल नॉन मेडिकल। From BCI. I'm the part of this institution from last 1 year. I came to know about this institution from my cousins who have passed their NEET exams from this institution. This is really the best institution for all the students who want to crack their NEET or JEE exam. First Institute of Valley providing 100-seaters computer lab for conducting mock drill online exams for JEE, NEET and other competitive exams. Registration is open for repeaters batch 2021. Avail 33% mega rebate. To know more, call us at 6007-52051-9797-01858585. BCI, Lal Chowk, Srinagar.